पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी से पूरे देश में अपना कहर बरपा रखा है। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का असर साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। वहीं कोरोना का डर इस कदर बना हुआ है कि लोग काम के बाद सीधे अपने घर पहुंचना ही पसंद कर रहे हैं। इस वक्त हाल ये है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA के बनाए हुए सभी पार्कों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि मनोरंजन उद्यान के नाम पर LDA की अच्छी कमाई होती थी, लेकिन कोरोना ने LDA की इस कमाई को पूरी तरीके से बंद कर दिया। जहां कुछ महीनों पहले तक इन पार्कों के टिकट काउंटर पर ठसाठस लाइन लगी होती थी, लेकिन कोरोना काल में यहाँ सन्नाटा पसरा है। इसी को देखते हुए LDA द्वारा पार्कों में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक फ्री कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके राजधानी के गोमती नगर में स्थित राम मनोहर लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्र पार्क में सन्नाटा नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि उद्यान क्रय बढ़ोतरी के लिए LDA नया कदम क्या उठाता है। देखिए, वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमण का व्यापक प्रभाव है, यह महामारी घोषित है, तो स्वाभाविक है लोगों का पार्कों में या सार्वजनिक स्थानों पर जाना कम हो गया है। हमारे जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पार्क स्थित हैं, बड़े बड़े पार्क जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क है या राम मनोहर लोहिया पार्क है, इन सब बड़े बड़े पार्कों में लोगों की अच्छी आवक सुबह और शाम में हुआ करती है और फिर दिन में भी लोग आते हैं, बट आज के टाइम में संख्या घटी है। सुबह और शाम दोनों टाइम में निःशुल्क प्रवेश होता है, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी योगा एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, और दिन में जो भी वहाँ जाता है उसे टिकट लेकर के एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है।